गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 3 तारीख दिन शनिवार, आजादपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूं आजादपुर प्याज मंडी में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या कुछ बाजार है, किस तरह का माहौल है, आज कितनी गाड़ी पहुंची है मार्केट में और कितना ताजा माल है और कितना जो है बैलेंस है, और इस समय जो है किस किस राज्य से आजादपुर में प्याज पहुँच रहा है जी, क्वालिटी किस तरह का है, और शनिवार का दिन है दोस्तों, डबल मंडी है, किस तरह का ग्राहक है, ये सारा वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। दोपहर के समय जो है देखो जी, कुछ इस तरह का चहल पहल मार्केट में देखने को मिला है। देखो एक बार वीडियो भी जूम करके आपको इस साइड का भी दृश्य दिखाता हूँ। देखो और दोस्तों अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी में, सर के पास जो है ये गाड़ी लगी है जी, और लगभग जो है गाड़ी क्लियर है, थोड़ा सा ही माल रह गया, बाकी एक बार नीचे चल के आपको क्वालिटी दिखा देता हूँ। देखो जी क्वालिटी देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह का। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर जी आज का माहौल कैसा है जी, आजादपुर में डबल मंडी है, शनिवार का दिन है, आज कितनी गाड़ी पहुंची यहाँ पे? 37 गाड़ी ताजी है। अच्छा, ऊपर नीचे मिला के 100 गाड़ी है आज। अच्छा, कल से 5-6 गाड़ी कम है। कल से जो है कम है प्याज, तो मेन कारण क्या है, प्रोडक्शन मंडी में भी कम है या फिर क्या, और भी कुछ कारण है? नहीं, यहाँ मार्केट नहीं उठ पा रही है ना जी, पीछे के हिसाब से यहाँ मार्केट नहीं उठ रही है। अच्छा, ऐसे नहीं बन रहे हैं। अच्छा, इसलिए यहाँ आमदनी थोड़ा कम है। अच्छा जी। हाँ, तो क्या पीछे जो है बाजार टाइट हुआ है सर प्रोडक्शन मंडियों में? पीछे तो 13-14-15 रुपए नीचे बढ़िया प्याज कहीं है ही नहीं है। अच्छा, 13 से 15 रुपए, 13 से लेकर के 15। हाँ, अच्छा, और यहाँ प्याज बिक रहा है ज्यादा से ज्यादा आप समझ लो 18-19 रुपए ऊपर में। अच्छा जी, तो पैसे नहीं बन पा रहे हैं। सर जी एक बार जो है गाड़ियों का टोटल आंकड़ा बता दीजिए, आज जो है बैलेंस और फ्रेश अराइवल मिला करके जो है कितना? 37 गाड़ी ताजी है जी, इसमें 4 गाड़ी जो नैफेड़ में आई है दोपहर में बिकेगी वो मिला के। अच्छा जी, और 18 गाड़ी गुजरात की है जी, 19 गाड़ी पूना की है। अच्छा जी, 11-12 गाड़ी नासिक का है। अच्छा, 3 गाड़ी राजस्थान है। अच्छा, 1 गाड़ी एमपी है। अच्छा जी, 3 गाड़ी गोंडल है गुजरात का। अच्छा, और आप समझो 5 गाड़ी एनसीसीएफ। अच्छा हाँ, तो ऊपर नीचे मिला के 71 गाड़ी हो गई खड़ी जी, और 30 गाड़ी है नीचे। अच्छा, यानी कि 101 गाड़ी, 101 के आसपास। तो सर जी इस समय जो है नैफिड और जो है एनसीसीएफ का माल जो है धीरे धीरे अब कम होता जा रहा है, तो उससे भी कुछ बाजार में फर्क देखने को मिला? थोड़ा सा एनसीसीएफ नैफिड कम हुआ है, इसलिए यहाँ 18-19 रुपए की मार्केट ऊपर में बन गई है। अच्छा जी, नहीं तो पहले तो 15-16 रुपए के ऊपर प्याज ही नहीं बिक रहा था। अच्छा हाँ जी। तो सर जी आज जो अपने पास ये जूट वाले कट्टे हैं, ये कौन सा एरिया का माल है सर? ये भावनगर है गुजरात। अच्छा, गुजरात का माइक्रो कलर भावनगर का है। तो सर जी आज का क्या बाजार चला? सबसे पहले ये वाले काला माल बेचा 520 रुपए का, 13 रुपए किलो। अच्छा जी, ये पूरी गाड़ी बिकी है 700 रुपए से लेकर 740 रुपए, 700 से लेकर के 740। अगर पर केजी की बात करें सर जी, ये समझ लो 17.5 रुपए से लेके 19 रुपए, 19 रुपए पूरी गाड़ी बिकी। अच्छा, तो इस समय जो सर जी ये जो प्याज है जी माइक्रो कलर वाला गुजरात का, तो इसमें सर जी साइज जो है मिक्स है या फिर नहीं? साइज बहुत अच्छा है। अच्छा, बहुत अच्छी साइज है। अच्छा जी। हाँ, और सर जी इस वाले में जो है ऊपर तक बाजार क्या रहा सर जी? ये काले माल ऊपर में 14 रुपए तक, 560। अच्छा जी, 500 काले माल बिक्री कम है। अच्छा जी। हाँ, और सर जी काले माल में जो है ये जो साइज देखने को मिला इसमें मिक्स साइज है, अगर यदि अगर इसी को अलग अलग छटाई करके लाया जाए तो उससे कुछ सुधार मिलेगा सर? 15 रुपए बिक जाएगा। अच्छा जी। इसमें क्या होता है काले में जोड़े की शिकायत। अच्छा, जोड़े निकल जाती है, जरा साइज ओवर हो जाएगी इसमें जोड़ा आ जाता है। अच्छा हाँ जी, मतलब मेन इशू जो है रेट डाउन होने का इसका यही है जोड़े का। हाँ, एक तो ये रीजन है कि जोड़ा निकल जाता है, दूसरा रीजन है काले माल की बिक्री भी कम होती है। अच्छा, ग्राहक कम पकड़ता है। अच्छा अच्छा, मतलब लोग सोचते हैं कि जो इसमें स्वाद कम है। हाँ, कुछ ऐसा होगा। अच्छा, इसकी बिक्री कम होती है। अच्छा जी। और सर जी वही बात करें पूना बेल्ट का, तो उसका आज क्या बाजार देखने को मिला जी? पूना 15 रुपए से लेके 20 रुपए तक, 15 से लेकर के 20, 600 से 800 रुपए। अच्छा, ज्यादातर माल किस रेंज में बिका सर पुणे का? ज्यादा माल बिका है 16 से 19 रुपए, 16 से लेकर के 19 रुपए। अच्छा, और सर जी वही बात करें नासिक वाले प्याज का, उसका क्या बाजार रहा है यहाँ पे?
नासिक पहली बात तो बढ़िया है ही नहीं जी, अगर बढ़िया नासिक होगा तो 7-7.5 रुपए बिकेगा, 7-7.5 रुपए। अच्छा नासिक का बाजार यहाँ जो जनरल पोजीशन सर जी क्या रेट बिका जी? जनरल पोजीशन नासिक मानो आप जो सरकारी माल है वो 550-600 रुपए। अच्छा व्यापारिक जो माल है 600-700 रुपए। अच्छा। बहुत VIP होगा 7-7.5 बिक जाएगा, लेकिन क्वालिटी कम है नासिक। अच्छा जी। और सर जी वही अगर बात करें MP वाले प्याज का तो उसका यहाँ पे क्या? MP एक गाड़ी है शायद 600 रुपए बिकी है, 600 रुपए, बहुत बढ़िया माल नहीं था। अच्छा जी। और सर जी वही बात करें अपना राजस्थान वाले प्याज का तो उसका क्या बाजार है जी? सीकर 9-10 रुपया। अच्छा कुचामन 10 रुपए से लेके 11-11.5 रुपए। अच्छा कुचामन जो है 10 से लेकर के 11 रुपए। अच्छा तो सर जी इसमें सीकर और कुचामन के जो प्याज हैं तो इसमें क्या क्वालिटी का क्या इशू आ रहा है जो इतना रेट डाउन है? कुचामन के माल में चमक ज्यादा होती है। अच्छा चमक अच्छी होती है कुचावन के प्याज में, सीकर के प्याज में चमक कम होती है। अच्छा इसलिए 1 रुपए डाउन बिकता है। अच्छा परंतु सर ये जो है नासिक के बराबर भी नहीं बिक रहा सर, ये 11-12 रुपए का जो भाव है तो इसमें क्या मतलब अंतर क्या है? साइज सफाई कम होती है ना, सूखा नहीं आ रहा है। अच्छा गीले माल आ रहे हैं, गीले माल आ रहे हैं। अच्छा। सफाई कम है। अच्छा जी। तो इसमें अभी सर जी क्वालिटी और चमक सब और तो कितना टाइम लगेगा? लगभग कम से कम 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद 1-1.5 महीने का टाइम लग जाएगा जी। अच्छा 1-1.5 महीने बाद। और सर जी अभी जो मतलब जो बरसात हो रहा है या फिर किसी एरिया में अभी जो मतलब नोटिस मिला हुआ बारिश होने का, तो अगर यदि बारिश होता है तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा सर? अभी बहरहाल प्याज के किसी भी एरिया में बारिश नहीं है। अगर मान लो बारिश होता भी है तो थोड़ा बहुत नुकसान, अगर बहुत ज्यादा बारिश होगी तभी थोड़ा बहुत नुकसान होगा, नहीं नुकसान वाली बात नहीं है। अच्छा अच्छा जी। प्याज मतलब ठीक ठाक बैठा हुआ है सर? हाँ। अच्छा अब बहुत ज्यादा बारिश होगी तब तो नुकसान हो ही जाएगा। हाँ सर, फिर तो वो तो कुदरत के हाथ में सारा खेल है जी, है ना जी। तो सर जी आज का अगर रिटेल का अगर बात करें, रिटेल आज कैसा देखने को मिला मार्केट में? बिक्री ठीक है। अच्छा हाँ बिक्री जो पहले मतलब थोड़ा घबराहट से खरीदारी कर रहे थे अब जो है बिक्री ठीक है, मौसम भी खुल गया ना इसलिए बिक्री भी खुल गई जी। हाँ जी। तो आज कितना गाड़ी क्लियर हो जाएगा? 50 गाड़ी के आसपास जी सर, 50 गाड़ी के आसपास माल बिक जाएगा। अच्छा। और सर जी बात करें नेफिड और एनसीसीएफ का तो इनके माल किस भाव में बिक रहा है सर यहाँ पे? 500 से 600। 500 से लेकर के 600। अच्छा। और सर जी अभी अगर बात करें जो प्रोडक्शन मंडियां हैं तो वहाँ का जो अराइवल का अगर बात करें तो वहाँ पे कितने हजार कट्टा पहुँच रहा है लगभग? महाराष्ट्र में अराइवल कम है जी, और गुजरात में अराइवल भरपूर है। गुजरात में अराइवल भरपूर है। अच्छा। तो सर जी और MP की अगर बात करें या फिर राजस्थान की बात करें तो उधर का क्या माहौल? राजस्थान में अभी आमदनी नहीं बढ़ेगी महीनों। अच्छा। और MP में भी आमदनी अभी नहीं, 15-20 हजार कट्टे आ रहे हैं, इंदौर में 20 हजार 25 हजार 15 हजार। अच्छा। आसपास ऐसे ही चलता रहेगा अभी, मतलब अभी जो है महाराष्ट्र और गुजरात का ही प्रेशर रहेगा। हाँ, प्रेशर देखा जाएगा पूरा। अच्छा जी। और सर जी इस साल क्या रैक का भी माल आएगा या फिर अभी रैक बंद रहेगा? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा अभी समय है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता इसके बारे में। अच्छा जी। और ये जो सर जी गुजरात का ये काले वाले माल है ये कितने महीने चलेगा सर? ये अभी 2 महीना चलेगा। 2 महीना गुजरात तो अभी 2 महीना चलेगा। अच्छा। तो दोनों ही सेम ही मतलब रहेगा या फिर इसमें भी आगे पीछे रहता है? नहीं अब माइक्रो कम हो जाएगा। माइक्रो कम हो जाएगा। अच्छा मतलब लेट तक जो है ये काले वाले माल, काला वाला लेट तक चलेगा। अच्छा इसकी पत्ती टूट जाती है ना। अच्छा एक बार सर जी शॉप नंबर कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए सर। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी A1096 नई सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली जी। मोबाइल नंबर 9311-18-99-74। धन्यवाद सर जी।